अपराध कब होते हैं? अपराध जब होते हैं जहां जागरूकता का लेवल कम होता है और अपराध का लेवल ज्यादा होता है। जागरूकता जहां होती है वहां अपराध अपने आप ही कम हो जाता है। अपराध दो तरीके के होते हैं, पहला संज्ञेय अपराध, दूसरा असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल में कौन कौन से अपराध, देखो संज्ञेय अपराध में आपकी चोरी, लूट, हत्या, दहेज हत्या, ये सारी चीजें आपकी संज्ञेय अपराध में आती हैं। इसमें किसी वारंट की जरूरत नहीं है, आप बोलो कि भाई हत्या हुई है वारंट लेके आओ, ऐसा नहीं चलेगा। समझ रहे हो? असंज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जिसमें वारंट के बिना पुलिस किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो बात कर लेते हैं मिशन शक्ति अभियान फेज 5 चल रहा है, इससे पहले 4 फेज हो चुके हैं और ये जो 4 फेज हुए हैं इसमें मकसद यही है, महिलाओं की सुरक्षा, आत्मविश्वास बढ़ाना, उनका गरिमा को बढ़ावा देना, ये सब कुछ क्या है, ये मिशन शक्ति अभियान के तहत चलाया जा रहा है। अपराध कम करने का तरीका जागरूकता फैलाना है और जागरूकता फैल रही है। आप देख ही रहे होंगे जहां भी आप रहते हैं वहां मिशन शक्ति अभियान के तहत बहुत सारी महिलाओं को पुलिस द्वारा इकट्ठा किया जाता है, फिर महिला कांस्टेबल के द्वारा उनको बताया जाता है, उनकी सुरक्षा से संबंधित कुछ हेल्पलाइन नंबर भी बताए गए हैं, उनको मैं भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं अपराध के 4 तरीके, मैं आपको बताती हूँ किस किस तरीके से अपराध होता है। सबसे पहले तो दिमाग में आता है, फिर उसका हम इरादा बनाते हैं कि हाँ मुझे अपराध इस तरीके से करना है, फिर हम उस अपराध को करने की कोशिश करते हैं, लास्ट में वो अपराध हो जाता है। तो आपको ये सब कुछ नहीं करना, सबसे पहले यहां से मजबूत हो जाएं। अगर कोई भी चीज आपके दिमाग में आ रही है अपराध से संबंधित, तुरंत हटाओ उसे, तुरंत, ठीक है कि नहीं, नहीं करना, रिजल्ट बहुत बेकार होगा इसका। संज्ञेय अपराध में सजा बहुत बड़ी मिलती है। आज मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं अपराध के, संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध। आप पढ़े लिखे नहीं है, फोन सबके पास है, फोन सबके पास है, उनमें सर्च करो कि लूट की क्या सजा है, चोरी की क्या सजा है, दहेज हत्या की क्या सजा है, तो अपराध खुद पे खुद कम हो जाएगा। हालांकि जागरूकता फैलाई जा रही है, लेकिन मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था समाज हम सबसे मिलके बना होता है, है ना, कुछ चीजें हमको खुद भी करनी है। ये कुछ मैंने आप सभी के लिए हेल्पलाइन नंबर लिखे हैं जो कि आप देख लीजिए, वुमेन हेल्पलाइन नंबर, वुमेन हेल्पलाइन नंबर, वैसे तो ये है 181, वुमेन पावर लाइन 1090 और 181 में से कोई सा आप लगा सकते हो, ठीक है, समझ गए ना, महिलाओं से संबंधित समस्याएं आपकी सुनी जाएंगी। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, बच्चों से संबंधित कोई भी अपराध होता है तो आप 1098 पर कॉल कीजिए, तुरंत आपकी समस्या सुनी जाएगी। ये जो नंबर हैं बहुत ही हेल्पफुल हैं, इनको याद रखिएगा। पुलिस आपातकालीन किसी भी समस्या को लेकर, चाहे वो महिलाओं की हो या बच्चों की हो या पुरुषों की हो, किसी से संबंधित हो आपकी कोई भी समस्या हो, डायल 112, आपने सुना भी होगा, पहले 100 नंबर के नाम से इसको जानते थे लेकिन प्रेजेंट में इसको डायल 112 के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर, समझ रहे हो ना, डायरेक्ट लखनऊ आपका फोन जाएगा, मुख्यमंत्री जी के पास फोन जाएगा, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है और ये तो सदाबहार नंबर है आपका, ठीक है, समझ रहे हो ना, किसी भी परिस्थिति में डायल 112 आपको लगाना है। समय समय पर मैं आप सभी के लिए जागरूकता संबंधित वीडियो लाती रहूंगी, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।